जहानाबाद उत्क्रमित मध्य विद्यालय दब्बू टोला का दो कमरा चढ़ा गंगा की भेंट। कटिहार में कटाव का कहर जारी है। इस बीच बाढ़ के रेड जोन कहे जाने वाले अहमदाबाद प्रखंड के झब्बू टोला से कटाव का लाइव विजुअल सामने आया है, जहां उत्क्रमित मध्य विद्यालय झब्बू टोला के दो कमरे देखते ही देखते गंगा के गोद में समा गया। स्थानीय लोगों के माने तो इस इलाके में कटाव निरोधी कार्य के नाम पर केवल खानापूर्ति हुई है, जिसका क्षेत्र के ग्रामीणों को झेलना पड़ रहा है। अगर जल्द इस हालात पर सुधि नहीं लिया गया तो पूरा का पूरा विद्यालय गंगा में विलीन हो जाएगा। राहत की बात यह है कि कटाव के हालात को देखते हुए विद्यालय परिसर से जरूरी सामान को खाली करवा लिया गया था, लेकिन पूरे विद्यालय गंगा में समा जाने से इस इलाके की बच्चों के पठन पाठन प्रभावित होने को लेकर ग्रामीणों में परेशानियां देखी जा रही है। बाकी देखें आगे इस रिपोर्ट में ग्रामीणों ने क्या कहा। जी हाँ, अब तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही हमें कमेंट करके हमें बताइए कि खबर आपको कैसा लगा। ब्यूरो रिपोर्ट, कटिहार। बुटोला जो विद्यालय है ये मतलब कटाव इसीलिए हो रहा है कि जब नदी बांधे थे उस टाइम इसे सही से नहीं बांधे थे। इसका बांधने का कारण ये कि रोक सकता है, इसी कारण से जैसे पाइलिंग करके इसको रोकने के लिए ये काम हो सकता है, जब ये विद्यालय रोक सकता है। और इसमें सारे बच्चे पढ़ते हैं, बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं आपके गांव के, हमारे गाँव के, इसी गाँव के, और ये पाटदियारा पंचायत के। और इसका जो अभी दो रूम कट चुका है और इतना जोर कटौती चल रहा है, अभी हो सकता है कि ये भी जो बचा हुआ ये भी खत्म होने वाला है। मोहम्मद सिराजुल हक, इसके लिए अभी क्या करना होगा ये जरूर जल्दी करने होगा, जब भी ये रोक सकता है, नहीं तो ये गांव भी कटेगा, स्कूल वगैरह सब कुछ कट जाएगा, बच्चा उच्चा सब कुछ कट जाएगा। झब्बू टोला, ये उत्क्रमित मध्य विद्यालय झब्बू टोला है, और यहाँ जो है बहुत सारे बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। दो रूम तो इसमें अभी जो है कट गया है गंगा में, और ये आप तो देख ही रहे हैं, ये कभी भी गिर सकता है नदी में, कट जाएगा। क्या मांग करते हैं आप? मांग क्या करेंगे, मांग यही है कि सरकार इसका काम कराए, इसको रोकने का, कटाव को रोके, और ये स्कूल जो है मतलब चालू रहे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुकीम।